अपने लोगों के बीच में आई हूँ, अपनी जगह पर आई हूँ, तो मैं एक अलग ही महसूस कर रही हूँ। मैं सच बोलूँ तो मैं सिर्फ फील कर रही हूँ और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, दैट्स इट। मैं सिर्फ फील कर रही हूँ और इसे इंजॉय करने वाली हूँ आज के दिन। कश्मीर जो है पूरी दुनिया में मशहूर है खूबसूरती की वजह से, ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को कश्मीर की तरफ रागिब करने के लिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट को किस तरह के इकदाम उठाने चाहिए? थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं, वैसे बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग, बट हाँ जैसे कि बाहर हमारे इवेंट्स होते हैं, जैसे आप जम्मू कश्मीर से बाहर जाते हैं तो अलग लेवल के इवेंट्स होते हैं, आई थिंक उस पर उनको फोकस करना चाहिए, अपने लोगों को बुलाना चाहिए जो बाहर सेटल हो चुके हैं, इतनी मेहनत से उन लोगों ने नाम कमाया है। अपनी जगह पर जब अपने लोग बुलाते हैं तो हमें एक अलग फीलिंग आती है, दूसरी जगह पर जाओ तो वो लोग इतना प्यार करते हैं, बट जब अपने लोग हमें बुलाए वो प्यार थे ज़्यादा अच्छा लगता है। बिरूनी रियासत में रह रही है आप, कश्मीर के लोग कश्मीर के हालात से बाखूबी वाकफ है, क्या इस तरह के प्रोग्राम बिरूनी रियासत में नहीं हो सकते? कश्मीर के हालात में तो नो कमेंट्स। दूसरा यस होना चाहिए, मुझे लगता है प्रोग्राम्स होने चाहिए। क्या आपको लगता है कि वहाँ पे इस तरह के प्रोग्राम मुनाकिद करने से कश्मीर की छवि जो है वो साफ हो सकती है? देखिए मैं कुछ बोल नहीं सकती। बहुत सारे जगह यहाँ पे हिडन जगह है जहाँ पर टूरिज्म डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर करना चाहिए, उनको टूरिस्ट मैप पे लाना चाहिए। क्या उनको करना चाहिए, आपकी क्या मैसेज रहेगी मतलब टूरिज्म डिपार्टमेंट के लिए? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि उन्हें आर्टिस्ट के ऊपर काम करना चाहिए, जितने भी यहाँ पे लोग हैं आर्टिस्ट, उनको काम मिलना चाहिए। ये लोग यू नो स्टेप उठाएंगे तो ही आर्टिस्ट काम कर पाएंगे। मुझे लगता है सबसे पहले तो उन्हें हर साल में मुझे लगता है 5 से 6 इवेंट्स करने चाहिए ताकि सब लोग काम कर पाए।